नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम अब गर्मियों का चला गया है और सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अभी हमने अभी तक जो गर्मियों की सब्जियां लगाई हुई थी उनका खूब आनंद लिया। और अब उनका बरसात के बाद समय चला जाता है, तो अब तैयारी करेंगे हम आने वाले सीज़न यानी कि सर्दियों के मौसम की। और सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो हम लगाते हैं अपने टेरेस गार्डन पर, वो सारी आज बीज आपको दिखाएंगे। और क्या क्या बातें और बीज लगाने से पहले करनी है और किस किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको आज बताएंगे। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो बीज हैं वो कौन से हैं और कैसे कैसे उनको करना है। और ये देखिए, बीज की हमने किट मंगाई थी और ये ऑर्गेनिक बाज़ार से किट मंगाई है हमने। और एक मंगाया है हमने कुछ बीज जो ऑर्गेनिक बाज़ार पे नहीं थे, जो हमें आवश्यकता थी वो सीड्स टू प्लांट से। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से हमने क्या क्या बाई किया है और ये सारे सीड्स हैं। सीड्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारी जो बागवानी है उसकी पैदावार में। और जो सब्जियां हैं वो उनका आनंद हम तभी ले पाते हैं अगर उनकी पैदावार अच्छी हो, और पैदावार अच्छी होती है जब हमारे सीड्स अच्छे होते हैं। तो सीड्स का एक महत्वपूर्ण योगदान। और ये देखिए, ये सीड्स जो हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग सीड्स हैं। जैसे ये लीफी वेजिटेबल्स सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, जैसे पालक, उसके बाद अपना सरसों, राई, मेथी, तो लीफी वेजिटेबल्स। और कुछ बीन्स भी होती हैं, जैसे ये देखिए, ये सेम इसको बोलते हैं, ये देखिए डोलिकॉस, ये भी सेम की वैरायटी है। और एक ये स्वास शॉर्ट बीन, यानी कि जो लंबे वाले सेम होती है उनका है ये। और इसके सीड्स बहुत मोटे मोटे होते हैं। ये देखिए, ये जो रेड स्पिंच है उसकी वैरायटी का ये पालक है, और ये भी सीड्स इसमें काफ़ी सारे हैं। और ये हरा धनिया, गाजर, ये देखिए रेड गाजर हैं ये। और ये सैलरी भी मैंने मंगाई थी, पिछली बार भी मंगाई थी, लेकिन पिछली बार ये ग्रो नहीं कर पाया था मैं। इस बार सोचा कि मैं ग्रो करूँ इनको। और एक मैंने पपाया का भी बीज मंगाया है, ये देखिए ये पपाया का बीज है, रेड लेडी पपाया। और बाकी सारे जो बीज और जो पूरी किट मंगाई थी हमने, उसमें काफ़ी सारे सीड्स थे। और ये सीड्स अभी हम सारे इस बार लगाएंगे। तो सीड्स के बारे में बता रहा था मैं कि जो सीड्स हम ख़रीदते हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते तो हमारी जो पैदावार है वो अच्छी नहीं होती और हम निराश होते हैं। क्योंकि जो टेरेस गार्डनर हैं उनके पास इतनी जगह तो हो नहीं पाती है, थोड़ी कम जगह में ही अच्छी पैदावार उनको लेनी होती है। तो मैं सभी भाइयों से ये कहूँगा कि अगर सीड्स अच्छे ख़रीदेंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो सीड्स मैंने ख़रीदे हैं ये अच्छी क्वालिटी के हैं और जर्मिनेशन भी इनका 90% के आसपास बताया गया है। तो बीज लगाने से पहले भी हमने तैयारी करनी होती है, तो इसमें हमने तैयारी की है जो अपनी गमलों की मिट्टी है उसको बाहर निकाल कर उसमें खाद को मिक्स करके और अच्छी तरह से फर्टिलाइज करके जो देसी खाद है उसको लगा कर उसमें मिक्स करके, और जितनी पुरानी रूट्स रहती हैं वो सारी जड़ों को बाहर निकाल कर मिट्टी को अच्छी तरह मुलायम और एक अच्छा बेड तैयार करना होता है, तभी हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट रहते हैं और अच्छी पैदावार निकल के सामने आती है। तो मैं अपनी टेरेस पर कई सालों से बागवानी कर रहा हूँ, और अब जो मेरा मेन फोकस रहता है वो जो सब्जियाँ हैं उनको उगाने में रहता है। क्योंकि मार्केट में अब जो सब्जी आजकल आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड का लोग
इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं रह पाती। तो मेरा तो अब जो बागवानी करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। हालांकि मैंने जो शुरुआत करी थी वो फूलों के पौधे और जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं वो लगाने शुरू किए थे, और उन्हीं से ही मेरी छत पहले भर गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनको थोड़ा सा कम करके, और अब जो सब्जियां हैं अपनी वो मुझे ग्रो कर रहा हूं मैं। तो बेड बनाया, और बेड बनाने के बाद अच्छा बीजों का चयन किया, अच्छे बीज खरीदे, और अब इनकी बुआई का समय भी आ गया है। जैसे कि आप जानते हैं सितंबर अब शुरू हो गया है, और सितंबर अगस्त सितंबर में जो सर्दियों के बीज हैं वो अनुकूल रहता है उनको लगाना, और एक महीने बाद फिर हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग पालक वगैरह की शुरू हो जाती है। एक सवा महीने का टाइम इनको लगता है। तो ये सारी जानकारी थी आज की वीडियो में कि आप अच्छे बीज खरीदें, और चाहे आप अपने लोकल मार्केट से खरीदें चाहे आप ऑनलाइन खरीदें, देख कर ही लें और सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। कुछ कई बार हम गलती कर जाते हैं कि जो बीज है वो सस्ते लेते हैं, और फिर हम अपना टाइम भी लगाते हैं और मेहनत भी करते हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाता। तो बीज अच्छे लें, यही है। और अगली वीडियो में फिर बात करेंगे कैसे हमने लगाना है इनको, और किस किस तरह से लगाने के बाद ये उनकी देखभाल करनी है। तो इसी वीडियो में इतना ही थी, और आगे भी मिलेंगे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद आपका।